तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में हम खेल रहे हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में, वो वाला वर्ल्ड क्या पता कहाँ चले गया यार। मैंने गलती से डिलीट कर दी उसकी फाइल वाइल, तो वो वर्ल्ड जा चुका है। फिर मैंने एकदम नया वर्ल्ड बनाया और उसमें बहुत सारा मैंने सर्वाइव करा, मैंने थोड़ा बहुत सर्वाइव करा, विलेजर विलेजर को पकड़ के लाया पास वाले विलेज से। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अपना घर बसाया और अब मैं बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग फार्म, मतलब इस वर्ल्ड में मैं बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग फार्म इस विलेज में। ठीक है, विलेज नहीं, ये मेरा घर है। ठीक है, मैं अपना घर दिखाता हूँ तुम सबको। ठीक है, वैसे जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लगा ये घर। ठीक है, और वैसे वो चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि वो ना मेरा रास्ता दिखाने की मशीन है, मतलब रात को मैं भटक जाता हूँ ना तो वो दिख जाता है भाई रास्ता, वो अलग ही चमकता है, दूर दूर से चमकता है वो लावा। मैंने वो अभी अभी बनाया, जस्ट अभी बनाया ही, देखो बाल्टी भी पड़ी खाली, मैंने अभी अभी बनाया वो जस्ट। ठीक है, एक सेकंड भाई यार इसको बदलना है। हाँ, तो ये देखो, ये दो विलेजर है जिनको मैं पकड़ के लाया था, वहाँ पास में एक विलेज है वहाँ से पकड़ के लाया था, और इनके दो दो छोटे छोटे बच्चे हो चुके। एक और होगा यार, अभी अभी तो मैंने इनको ब्रेड लिया, अभी तक इनने एक और नहीं करा, ये तो गलत है भाई। अभी तो मैंने इनको ब्रेड दिखाई और इन्हें अभी तक एक और नहीं करा भाई, वो गलत है। चलो, पर दो बच्चे हमारे पास। ठीक है, ट्रेडिंग फार्म बहुत अच्छे से चलेगा जहाँ तक मेरी मानना है, मतलब जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, और वैसे तुम ये बताना कि ये घर कैसा है। ठीक है, ये देखो घर, घर कैसा लगा तुमको ये बताओ। मतलब कुछ इतना खास नहीं, मैंने बस ये जली जल्दी में बना दिया था क्योंकि मुझे विलेज से थोड़ा सा दूर बनाना था घर। ठीक है, वहाँ पे विलेज मुझे मिल चुकी थी, पर मैंने सोचा कि यार विलेज से थोड़ा दूर बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आयरन फार्म ये सब फार्म भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले हमको ना जगह देखनी है हमारा ट्रेडिंग फार्म बनाने के लिए। ठीक है, चलो ट्रेडिंग फार्म बनाने के लिए एकदम मस्त ही जगह देखते हैं। जगह जगह जगह, ये तो मेरा अपना फार्म है। ट्रेडिंग फार्म कहाँ बना सकता हूँ यार मैं, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस जगह पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है साथ से, पर यार ये जगह कुछ और चीज़ बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग फार्म ना थोड़ा अलग जगह बनाता है, जैसे कि याली जगह इधर हम बना सकते हैं ट्रेडिंग फार्म। रुको यार, ट्रेडिंग ट्रेडिंग बोलते ना, ट्रेडिंग बोलते यार उसको, हाँ ट्रेडिंग बोलते, मतलब जहाँ पर लेन देन होगी ना पैसों की। मैंने अभी जस्ट इनसे वो करा स्टिक विस्टिक से, तो ये इतना मुझे मिला है। चलो मैं देखता हूँ इधर सास से एक अच्छी सी जगह हमको ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले अब भैया जगह दिख जाओ यार, मुझे इसका ना घोड़ा वोड़ा भी पकड़ना है, अभी तक मैंने घोड़ा वोड़ा नहीं पकड़ा, मुझे वो मिला ही नहीं यार, उसका सेडल ही नहीं मिला घोड़े का। ट्रेडिंग फार्म के लिए जगह एकदम मस्ती, वैसे वो मेरा घर है। ठीक है, वो मेरा घर है और मेरे घर के से थोड़ी सी दूर तो नहीं होना चाहिए, पर मैं ट्रेडिंग फार्म बनाऊंगा ना तो ऐसा होगा कि यार आयरन फार्म को ना थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, उस साइड बनाना पड़ेगा आयरन फार्म को। कोई बात नहीं यार, ट्रेडिंग फार्म को हम बना लेते इस जगह पे, ये जगह। अरे भाई यार खाना खा लेता हूँ, कहाँ बनाना ट्रेडिंग फार्म को समझ नहीं आ रहा मेरे पास। पता है इस वर्ल्ड में ना जगह ढंग की नहीं, सबसे बड़ी बात वो ही है कि जगह ना बिल्कुल भी ढंग की नहीं इधर तो। और जरा ना उसके टूल बना लेंगे, तो ट्रेडिंग फार्म को मेरे हिसाब से मुझे इस साइड बना लेना चाहिए। ठीक है, इस साइड तो चलो शुरू करते, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं डिजाइन की कैसे क्या बनाऊंगा, तो चलो यार इस जगह पे मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, इधर से आना जाना हो जाएगा। ट्रेन की पटरी मेरे पास पड़ी हुई, मतलब माइनक्राफ्ट में मैं गया था तो वहाँ से मैं लाया था, तो ट्रेन की पटरी मेरे पास पड़ी हुई। ठीक है, तो चिंता नहीं होगी विलेजर को इधर से उधर करने में, और सही है ना ये जगह, सही तो यार। वैसे यार ये जगह बढ़िया है ना भाई, घर के डायरेक्ट सामने बना दो ना ट्रेडिंग, बढ़िया यार सामने बना दो, डायरेक्ट सामने। काश यार मेरे पास वो होता, वो एन्चेंटमेंट टेबल बनती कैसे, इंचार्टमेंट टेबल। एक सेकंड यार, इंचार्टमेंट टेबल मुझे बनाना है, ऑक्सीडियन से बनती। ठीक है, तो पहले मैं ना मेरे पास डायमंड तो बहुत है, ठीक है ज़्यादा नहीं, मतलब कि 30 कुछ पड़े डायमंड, तो मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ और इससे एक सवर बना लेता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे इंचार्टमेंट टेबल देखनी चाहिए कि मुझे एफिशिएंसी की वो मिल पाएगी कि नहीं, लेपिस भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सामने वाला लावा मैं नहीं ले सकता, वो लावा मैंने हाथ से चोरी करा था, मतलब हाथ पे पड़ा हुआ था, मतलब कि मैंने एक उठा के वहाँ पर डाल दिया। तो चलो वहाँ पे सामने जाते हैं, वहाँ पर एक मस्त मैंने देखा था, मतलब मुझे याद है उस साइड ना कुछ था लावा का, मतलब कि जिसमें लावा होता है बहुत सारा, तो वो जगह है वहाँ पर, तो मैं जाके देखता हूँ साथ से, अभी भी वो वहाँ पर ही होगी। फिर मुझे इफिशियंसी की बुक बनाना, मतलब मिल जाएगी इफिशियंसी की बुक साथ से मिल जाएगी, पर यार उसके लिए तो वो भी चाहिए और तब बहुत ज़्यादा लफड़ा रहेगा यार उसके लिए। नहीं भाई अभी नहीं बना सकता उसके लिए, शुगर केन क्या पता क्या क्या चाहिए होगा भाई, पेपर शुगर केन क्या पता क्या क्या चाहिए उसके लिए, नहीं भाई वो तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे अब ऐसे ही करना पड़ेगा बिना इफिशेंसी के। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। चलो चलते अब जल्दी से अपना ट्रेडिंग फार्म बना, ट्रेडिंग फार्म। ठीक है, सबसे पहले यार लाइट लगा देता हूँ, यार मैं लाइट ले रहा हूँ अकेला, इधर ही लगाते। ठीक है,
इन विलेजर्स को डर तो किसी से मिलेगा, पर यार रात हो रही है तो चलो जब तक रात हो रही है तब तक मैं इसको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ, इसको लेवल में करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये लेवल हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर यार बहुत मुश्किल है भाई लेवल में करना इसको। चलो भाई करते हैं, अब कर भी क्या सकते, लेवल में तो करना पड़ेगा, इसको पूरा लेवल करते हैं जल्दी से। तो गाइस मैंने ना सारा का सारा ये क्लियर कर दिया, मतलब ये जगह है ना पूरी पूरी क्लियर कर दी है, और अब तुम देख सकते हो भाई यार कितना बड़ा स्पेस मुझे मिल चुका है ठीक है करने के लिए। इधर थोड़ा बहुत आयरन है पर ये मुझे जरूरत नहीं है, तो चलो यार अब इधर ना बनाएंगे हम हमारा घर। और वैसे यार इस इधर ना ज़ोंबियों की आवाज आती है यार, क्या पता क्यों। हाँ तो ज़ोंबियों की आवाज आती है, साथ से नीचे ना कुछ केव है, जान दो उसको, जान दो ठीक है। तो अब हम बनाने वाले इधर अपना घर, घर नहीं ट्रेडिंग हॉल जहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स अपने ट्रेडिंग करेंगे। मतलब एकदम मस्त सा बनाना है यार उसको, एकदम मस्त सा मेरा घर भी मुझे अच्छा बनाना है, ये तो बस थोड़े टाइम के लिए, बाद में अच्छा बना लूंगा ठीक है। अभी मुझे बनाना है ट्रेडिंग फार्म बोल रहा हूँ। तो चलो यार उसके लिए सबसे पहले ना हमको वो चाहिए, मतलब कि क्या बोलते थोड़ा बहुत ना बेस, मतलब कि बेस दिख जाएगा। रुको तो गाइस मुझे ना सबसे पहले ना स्ट्रक्चर खड़ा करना है, मतलब स्ट्रक्चर मतलब कि डिजाइन बतानी है ठीक है, डिजाइन कैसी होगी उसकी, थोड़ी वो डिजाइन ना थोड़ा एकदम मस्त ही बनानी मुझे, एकदम मस्त। उसका फेस इधर होगा, मतलब गेट जो होगा ना वो इधर की साइड होगा, और आजू बाजू थोड़ी बहुत चीजें होगी, और मेन इधर भी होगा ठीक है। तो चलो यार चालू करते, वैसे रात होने वाली, पर उससे पहले ना अपने स्ट्रक्चर के लिए ना सारी चीजों ने जितना भी कूड़ा कर कर ये फेंक देता, और मेरा जो भी मुझे काम लगेगा वुड वुड वो मैं ले लेता हूँ, इधर से स्टोन भी ले लेता हूँ, बहुत सारा स्टोन भी लगेगा। तो चलो इधर नहीं, उसमें नहीं, अरे भाई यार अरे हाँ ये खाली था, खाली कैसे, हाँ मैं वो भी सोचू ये खाली कैसे हो गया। अच्छा चेस आगे इसमें डट वाले में डट रख देता हूँ अभी के लिए, बस इतनी डट काफी, मैं एक स्टेक डट है मेरे पास तो कुछ टेंशन नहीं। अरे यार स्टोन अब वुड ले लेता हूँ, इसमें से एक ही आली ले लेता हूँ, और एक स्टेक ली ना हाँ एक स्टेक ले ली। वैसे तो मैं ये डार्क ओक लगाऊंगा, पर हाँ कहीं कहीं पे ये भी लगाऊंगा, तो ये ले लेता हूँ ठीक है, ये ले लेता हूँ। हाँ जमीन पे मैं ये लगाऊंगा ठीक है, जमीन पे याली लगाऊंगा तो ये बढ़िया है। मैंने ये ले ली, रुको यार ये भी सही था, ये ले लेता हूँ डार्क ओक लोग, ये भी ले लेता हूँ, ये लगते रहेगा। और जो भी अपना सामान है ना वो इधर किसी एक चेस्ट में डाल देता हूँ, कौन सा चेस्ट में डालू यार, हाँ इसमें डाल देता हूँ अभी के लिए अपना जितना भी सामान है, जो भी मेरे काम नहीं आने वाला, ये मेरे काम का नहीं, आयरन मेरे काम अभी तो नहीं आने वाला, वैसे आ जाएगा। चलो यार आयरन क्यों रखूँ, ब्रेड मेरे खाने के काम आएगी, ये सबको रख देता हूँ, जो भी फालतू का सामान है इन सबको रख देता हूँ अभी के लिए। लेंटर में भी मेरे किसी काम का नहीं, एमरल्ड में भी मेरे किसी काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, और ये सब भी काम का नहीं है, और डायमंड भी काम का हो सकता है, डायमंड से मैं तो ये काम का नहीं है मतलब बीट सीट। तो चलो ये सारा रखते हैं, और वैसे रात हो गई सो जाते हैं हम भी। यार मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये दीवार कुछ लगाना पड़ेगा इधर यार, विलेजर क्या पता कि उसका आर पर वो नहीं कर पाता, मतलब कि आना जाना नहीं कर पाता, तू जा बाहर जा बच्चे वापिस अंदर आ गया, बदतमीज बच्चा है भाई बदतमीज, ये ले तुम सब मजे करो भाई, तुम सब भाई छे छे विलेजर हो गए भाई, दो थे मेरे पास, मैंने इन सबको ब्रेड खिलाई तो ये छे हो गए यार, बढ़िया। देखो ये इन दोनों का बच्चा है, और इसके पास कुछ जो भी नहीं, और इधर कहीं आसपास भी पता कोई है, कोई बंदा है, सात सात विलेजर है मेरे पास भाई, बढ़िया क्या बात है, सात विलेजर हो गए, और यहाँ आठ विलेजर हो गए साथ से, कोई बात नहीं आठ हो गए तो अच्छी बात है। वैसे अब मुझे बनाना है एक मस्सा डिजाइन ठीक है, डिजाइन के लिए हम ये इसको ले लेते हैं, क्योंकि यार ये ही रहेगा मेन, मतलब ग्राउंड फ्लोर ये रहेगा, इसके ऊपर अब मुझे और नहीं करना है यार, बहुत देर से मैं थोड़ा चलो सच बोल रहा भाई थक चुका हूँ, बहुत गंदी तरह से थक चुका हूँ। तो चलो यार चालू करते हैं, इसको भी मतलब अपना डिजाइन करना ठीक है। देखो वो मेरा घर है ठीक है, ये इसका मेन, मैं सोच रहा हूँ इस जगह को ना इसका सेंटर करूँ ठीक है। तो एक सेकेंड हम इससे वो कर लेते, मतलब कि पीछे से चालू करते यार, पीछे से ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है, इधर से चालू करते इतना बड़ा तो होना चाहिए ना, तो इधर से चालू करते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह ठीक है, ये दस ब्लॉक हैं, दस एक दो तीन हाँ दस दस ब्लॉक का ये होगा यार, मैं कन्फ्यूज हो गया। तो इधर बीच में दो गेट हो जाएंगे ठीक है, दो गेट हो जाएंगे एकदम मस्त से, और ये हाथ से चालू का हमारा मतलब कि एकदम मस्त सा मेंशन क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे ठीक है, तो वो चालू का हमारा घर एकदम मस्त सा। तो चलो यार अब मैं बनाता हूँ ठीक है, तुम देखो भाई यार क्या ही मस्त घर बनेगा, एकदम मस्त मतलब ट्रेडिंग फार्म बनेगा ठीक है, ट्रेडिंग होल ट्रेडिंग फार्म कर रहा हूँ, पर हाँ ट्रेडिंग होल बनेगा ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते,
वैसे कॉर्नर कॉर्नर पे ना मैं सोच रहा हूँ कि ये डार्क ओक लोग है ना ये लगाओ तो कैसा रहेगा, मैं कॉर्नर कॉर्नर पे एक सेकंड में देखता हूँ उसको ला के, ठीक है बस कॉर्नर कॉर्नर पे अगर ये लगाए तो कैसा रहेगा। मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा यार, बुरा तो नहीं लगेगा है ना, अच्छा लगेगा ये, अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर जॉक पे ना ये लगा दूँ, डार्क ओक लोग लगा दूँ। रुको यार कितना ब्लॉक है ये, रुको इसको तो गिनना नहीं है ठीक है, ये एकदम नीचे वाला है तो एक दो दो ब्लॉक है, तो इसकी पांच की तो हाइट होना चाहिए ठीक है, पांच की हाइट, एक दो तीन चार, तो ये मेरे ख्याल से पांच की हाइट हो गई इसकी, एक दो तीन, रुको यार एक दो तीन चार, अरे भाई यार रुको, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है पाँच की हाइट हो गई। वैसे रात हो रही तो सो जाता हूँ, तो मैं क्यों पंगा लेना यार किसी से। वैसे मैं पता है सोच रहा हूँ कि यार अपने घर के ऊपर आयरन फार्म बना दूँ, वो तो काम तो आयरन फार्म जैसे ही कर रहा है, कोई बात नहीं भाई मुझे भी सुन दो भाई। एक गोलेम नीचे खड़ा है, एक गोलेम छत पर, क्या बात है, बढ़िया यार बैठो मस्त, गोलेम की कमी नहीं होना चाहिए वैसे मुझे। छत पर है क्या, छत पर, हाँ छत पर भी एक है नीचे भी, बढ़िया अच्छी बात है, सिक्योरिटी होना चाहिए। तो चलो यार अब इधर ना पांच इधर भी कर देता हूँ, एक दो तीन चार पांच, यार गलत 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 गलत, तो कोई बात नहीं ठीक है, जो भी हुआ गलत हुआ ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो देखो गाइस यार क्यों आवाज आ रही है, जान दो ठीक है आवाज आ रही है। तो देखो जैसे ये पिल्लर ऑन तुमको दिख रहे ठीक है, एक सेकंड यार ये आवाज का ना सोल्यूशन करके आता हूँ। हाँ तो गाइस वो आवाज तो बंद हो चुकी है, पर इधर ठीक है ये अब अपना ना काम चालू करते ठीक है। और यार पानी की आवाज इसके नीचे ना वो है, कोई भी बात नहीं भाई यार, अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज अच्छी, नीचे पानी है थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा पानीदार ठीक है, वो मैंने बंद नहीं करा है क्योंकि यार पानी था तो अब उसको बंद कैसे करूँ यार, लावा डाल दो उसको पर आके, पर कोई बात नहीं ठीक है उसको चलने दो। अब मुझे बताना था कि अब मुझे ना यहाँ पर वॉल बनानी है, वॉल, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वॉल कैसी बनाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जो स्टोन होता है ना, स्टोन को ब्रिक स्टोन, ब्रिक स्टोन कुछ होता है वो बनाए, क्योंकि मैंने तो अभी तक बनाया नहीं है, तो देखते यार बना के ब्रिक स्टोन, ये रहे बहुत सारे स्टोन है यहाँ पे, तो इन सबको ना अपनी फर्नेस में ना रख देता हूँ, एक सेकेंड। चलो ये सारा का सारा पिघल रहा है, जब तक तब तक मैं और थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, जैसे कि नीचे के नीचे ये सब बनना है मुझे, वुड बनना है, तब तक मैं वुड बन लेता हूँ ठीक है, जब तक वो पिघल रहा है। तो वुड के लिए अब मुझे यार बार बार अंदर जाना पड़ता है, एक सेकंड के लिए पता है क्राफ्टिंग टेबल ना इधर ही बना लेता हूँ, बार बार अंदर जाना वो ना थोड़ा लंबा पड़ जाता, तो क्राफ्टिंग टेबल बना लेते पहले। यहाँ पे ना स्लेब लगाऊंगा मैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं लगाने वाला, क्योंकि यार वो ज्यादा ले लेगा, तो क्यों ले भाई, हम क्यों ज्यादा दे, जबकि हम ज्यादा देना नहीं चाहते, तो ज्यादा नहीं देंगे हम ठीक है, तो हम सस्ते में काम निपटाएंगे। ये हो गया स्लेब बन गए, बहुत सारे स्लेब बन चुके हैं, अब मुझे सारे के सारे स्लेब को ना इधर लगाना है, तो चलो यार लगाते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई यार, देरी लगेगी पर लगाना तो पड़ेगा ना, चलो लगाते हैं स्लेब्स को, बस इस तरीके से लगाना है मुझे सारे। मैं अच्छे लगाने से ज्यादा पता है बेकार लगा देता हूँ, तो मुझे वापस तोड़ के लगाना पड़ता है यार, ये गलत है भाई, तेरा डाल देता हूँ बस। अब ये चलते रहेगा अपना, मतलब कि वो भी होते रहेगा, और हम वापस से चलते आगे ठीक है, जितने भी इसने ब्लॉक दिया यार उस ब्लॉक को ना मतलब कि अच्छा बना लेते, और इधर लगा के देखते कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, जो ज्यादा अच्छा लगेगा वो लगाएंगे। और वैसे मैंने ये क्यों लगा दिया, इसका कुछ काम नहीं, तो इनको ना इधर फेंक देता हूँ, चल 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 चल, नहीं भाई यार काम की चीज है, तो इसको ना ये इधर चेस्ट में रख देता हूँ, इधर चेस्ट है मेरा काम की चीज, जो भी मैंने डर्ट ली थी इसमें रखी थी, वैसे तो अंदर रखी थी सारी डर्ट, पर हाँ इधर भी रखी थी मैंने, और मैंने अभी तक सारा का सारा नहीं उठाया। अच्छी भाई देखते हैं ठीक है क्या अच्छा लगेगा ऐसा। नहीं यार इतना कुछ वैसे अच्छा लग सकता है भाई, ऐसा नहीं कि बेकार लगेगा यार, अच्छा लग सकता है अगर मैं इसको हाइट कर दूँ, ये जो नीचे जो है ना इसको अगर मैं हाइट कर दूँ तो ये अच्छा लगेगा, मानो या ना मानो, मेरे ख्याल से तो अच्छा लगेगा ठीक है, पर यार स्टोन का घर ज्यादा बेटर लगेगा मेरे ख्याल से, देखते यार देखते ठीक है, वो भी देख लेता हूँ, दोनों चीजें ट्राई करते, स्टोन सा ऐसा कुछ बनता है, हाँ ये बन गया, देखते ये ऐसा ऐसे, भाई यार ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये नेक्स्ट लेवल लगता है यार, पर यार ये थोड़ा बहुत ना पुराना हो जाएगा मेरे ख्याल से, पुराने नहीं मतलब कि यार अलग ही जमाने का हो जाएगा ये ठीक है, तो इसको छोड़ते हम। मैंने पिकेक्स बनाई थी और पिकेक्स किसी काम की नहीं ली, तो मैं सोचा कि ये वाला लगाते, या फिर ब्रिज के सेपलिंग वो वाइट वाले,
वो भी लगा सकते हैं ब्लैक के साथ व्हाइट, देखते हैं ठीक है। मेरे ख्याल से वो व्हाइट वाले लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो सो जाते हैं, अब लाते हैं वो व्हाइट वाले। मेरे ख्याल से ना अब इतना काफी है, इतना काफी, बहुत सारी मेरे पास ना वुड हो चुकी है, और वैसे हमें चाहिए अलग डॉग भी चाहिए था, पर मेरे पास वो नहीं है भाई यार, नहीं है। मैं मेरे घर से लाऊंगा, अगर होगा तो मेरे घर से लाऊंगा और तुझे भी ले जाऊंगा ठीक है हमारे साथ। मेरे पास तीन तीन है, तू भी आ जाना भाई, तेरे दोस्त ये सारे। और वैसे इनमें से बोन मिलती है भाई, बोन क्यों नहीं मिलते भाई, कैसी कैसी मछली उनमें सब बोन मिलती थी। भाई बोन तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलती है। और मेरा वहां पे थोड़ा सा और वुड पड़ा, पर जान दो यार उसको, थक गया भाई सच में। ऐसा लग रहा है कि मैं सच में तोड़ रहा हूँ भाई, इतनी ज्यादा थकान हो गई मुझे ये, मतलब ये सब तोड़ तोड़ के। ठीक है चलते अब आगे चलो, और ये बेस्ट होगा भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगेगा ये, मतलब कि इससे, क्योंकि ये थोड़ा डार्क और लाइट थीम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मानो या मानो ठीक है। तो चलो यार करते हैं हमारा, मुझे ये पूरे का पूरे ना इससे बनना है ठीक है, ऐसे करके। और वैसे ये मेरा फर्स्ट ही भाई, मैंने डार्क मतलब लाइट वाली अभी तक यूज ही नहीं करी। वाह यार मेरे ख्याल से ये बढ़िया लगेगा, बढ़िया यार अच्छा लगेगा, मानो या ना मानो। पहले ना इन सबको ना हटा देते हैं ठीक है, अपना पहले ना, बाद में हम अच्छे से करेंगे ठीक है, जो भी डिजाइन करनी है सब करेंगे, पहले ना इसको ना पूरा भर देते हैं इससे ठीक है, ऐसे ऐसे करके। बारिश हो रही है और बारिश में मैं काम कर रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, आवाज थोड़ी बहुत बेकार लगेगी ठीक है। तो उससे पहले ना सो जाते चल के, बारिश में काम करने से अच्छा सो जाते। और वैसे मेरे शुगर केन बहुत बड़े हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। एक सेकंड यार मैं सो जा, बस ऐसे कैसे मतलब चारों साइड बस ये ब्लॉक लगाते रहना यार, 10 साल लग जाएंगे ब्लॉक लगाते लगाते। पर मैं सच बोलूं इसमें ना तब भी मजा आ रहा है, मैं तेरे पता है तब भी इसमें मजा आ रहा है, मतलब थोड़ा लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जब मैं पता है ये तोड़ने में लगा हुआ था ना भाई, सच बोलूं भाई यार पेंट बज गई थी मेरी, तोड़ते तोड़ते मतलब जो भी डर्ट थी ना ये, इस जगह को क्लियर करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। मतलब मान लो 3 घंटे तो लग गए, 3-4 घंटे लग गए, 3-4 घंटे ठीक है, बस वो तोड़ने तोड़ने में, क्या मतलब 3 घंटे यार, 4 घंटे मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 घंटे तो लगे भाई साफ साफ, क्योंकि इतना क्लियर करना था यार पूरा, मैंने पूरी जगह क्लियर करी, ऐसा नहीं कि एक जगह पे बस कर दी, पर पूरी जगह करी भाई यार, तो देर तो लगनी थी। इस बस इतना से ये बनाने में मैं इतना थक गया हूँ यार, क्या बोलूँ भाई यार बहुत ज्यादा थकान हो चुकी भाई। उधर जाके सो ना पागल हो, सो ना उधर जाके, इतना बड़ा पेट रुको यार, इन सबको ना रास्ता दिखाना पड़ेगा, इन सबको ना पता नहीं साथ से पेट का रास्ता, तो इन सबको ना रास्ता दिखाना पड़ेगा। चलो भाई बच्चे को पता चलेगा भाई उसका घर, इन सब पागलों को नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, इन सबको रास्ता दिखाना पड़ेगा, ऐसा तो ला नहीं सकते ना इनको, अरे ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। बहुत बढ़िया, साफ बस साफ बस साफ, अंदर जाओ अंदर जाओ, छुपिया अरे छुटकू आ जा यार, जा रहे। तो गाइस मुझे लगता है कि आज के लिए ना इतना बहुत है। अब ना इस जो हमारा विलेजर टाउन है, मतलब विलेजर
ट्रेडिंग हॉल बोलेंगे इसको, ट्रेडिंग हॉल। तो जो है ना इसको ना बाद में और अपडेट करेंगे। जो सेकंड फ्लोर दिख रहा था तुमको ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जो भी बोलते हैं इसको, इसको मस्त तरीके से मैं बनाऊंगा एकदम मस्त तरीके से। ऊपर ना सोने का ऊपर होगा, नीचे ना सारा का सारा वर्क एरिया होगा। अभी ना ये सब करने में ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो इसलिए ना अब ना अब मिलता है अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अब तुम कमेंट करके जरूर बताना केस लेके, ठीक है? वैसे यार हमारे पास तीन तीन आयरन बोले मैं। अच्छा तो अब मिलते अगली वीडियो में, और वैसे शिप का नाम भी बता देना हो सके तो, मुझे इसका नाम देखना है भाई यार, क्योंकि यार ये रेयर है भाई यार, पिंक से मिली भाई ऑटोमेटिकली। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और इन लोगों के लिए बेड नहीं है, वो ही तो सोचो क्यों ये बच्चे नहीं हो रहे भाई, बेड नहीं है इन लोगों के पास। तो चलो यार मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।